बिस्मिल्लामरिमिया का नावदोबैया का कनास्ताइन आज मैंने एफ़ आई के अंदर हिस्सा लिया और आ, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एफ़ आई है ये ज़रूर करें लेकिन इसमें साबित होगा इन कि कोई कानून पाकिस्तान का मैंने नहीं तोड़ा जो सीक्रेसी एक्ट होता है पाकिस्तान का वो इसके अंदर बिल्कुल मेरे पे लागू नहीं होता और वो वही मैंने बातें आज वहाँ जा के मैंने उनको समझाया कि जो साइफ़र होता है साइफर एम्बेसडर जो भेजता है फॉरेन ऑफिस में वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फॉरेन ऑफिस में ही रह जाता है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आर्मी चीफ डी और आ, जो कैबिनेट के सेक्रेटरी कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं यानी उसका मफहम आता है या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है सीक्रेट कोड सिर्फ फ़ौरन ऑफिस के पास रह जाती है तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई सीक्रेट कोड उसकी तो हमारे पास आई नहीं तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आ, आम कर दें यानी कानून तोड़ें दूसरी चीज़ मैंने उनको यह समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं आर्मी चीफ एयरफोर्स जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ ये सब बैठे होते हैं उसमें और उस उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का ये फैसला करता है इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर यानी उसका जो मफहम था वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे डिमार्श देंगे वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्श देने का तो यह भी आज किस चीज पर डिमार्श देना था क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड डूर के अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होंगे ये था उसका उसमें और भी जिस तरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि का इमरान खान खुद ही रूस चला गया था ये कौन फीड कर रहा था ये सबको पता है कि जस, जिस जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फ़ीड कर रहा था अमेरिकन को कि इमरान अकेला अपने फ़ैसला करके तो चला गया रूस जिस तरह के बाकी कोई ना मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी जो जो एम्बेसडर अरसद मजीद कहते रहे कि यह गलत है क्योंकि सबको पता था इस एक महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहाँ जाने का रूस का अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह है जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज़्यादा केसेस किए मेरे जहन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का जिस तरह आपको पता है कि जैसे ही इकतदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं जिधर इनके बड़े बड़े महलात होते हैं जिधर चोरी का पैसा वहाँ भेजते हैं ये सारे बाहर भाग जाते हैं नवाज शरीफ जरदारी ये सब और उनके नीचे वज़ीर भी बाहर भाग जाते हैं जिन जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लडूंगा और मेरे क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है इज्जत वो देने वाला है ज्लत भी उधर से ही आती है वो आती है इंसान के अमाल की वजह से तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे मेरा ये ईमान है कि ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा ना कोई मुझे जलील कर सकेगा और आ, सच वो है हक है और वो सच सामने आना है अब ये ज़रा सच सामने क्या है मुझे चेयरमैन नैब ने और जिसके ऊपर मैंने हर जाना किया हुआ है उसने जो मेरे वारंट वारंटकवा ले और जिस तरह मुझे कमांडोज ने मुझे वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरमों की तरह और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहाँ से लेके गए तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया याद रखें कि Heh, कि मुझे दुनिया जानती है क्रिकेट के ज़माने से और क्रिकेट के जमाने से तो जो दुनिया जानती है वो इमरान खान जिसके ऊपर कभी दुनिया लोगों के ऊपर मैच फिक्सिंग कहा है इमरान खान के ऊपर कभी किसी ने मैच फिक्सिंग नहीं कहा और इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया जानती है जि, जिसने दो सौ साल क्रिकेट तरी की तारीख में न्यूट्रल अंपायर लेके आया कि वो अगर जीतना चाहता था तो ईमानदारी से जीतना चाहता था अपने अंपायर साथ मिला के नहीं मैच जीतना चाहता था और ये ये इस तरह मुझे जानती थी इसलिए इज्जत करते थे अब आप ये देखें कि सारी दुनिया में गया कि इमरान खान करप्शन पे पकड़ा गया अब दूसरी चीज ये देख लें किस पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा अगर इन पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है जिसको इतमाद है कि वो पैसे उनकी चोरी नहीं करेगा वो इमरान खान है जितना पैसा मुझे दिया गया है लोगों ने हस्पताल बनाने में हस्पताल चलाने में दो दूसरा हस्पता तीसरा हस्पता जो अब इन शाची में आ, बन रहा है और फिर नमल यूनिवर्सिटी और फिर यह अलकादर यूनिवर्सिटी ये सारे लोगों के पैसे पे क्योंकि लोग करते हैं और ये सारी मैं बन, बनाया उन लोगों के लिए ना जो वो कैंसर का इलाज करवा सकते हैं और ना वो आला तालीम ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और पैसे देते जा रहे हैं तो उस आदमी को और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं उनके सामने है, कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है सारी दुनिया में, में मेरी तोहन की मैंने इसलिए नैब चेयरमैन के ऊपर जाना किया हुआ है और अब जो मेरा केस है वो और मजबूत हुआ है और वो मजबूत कैसे हुआ ये जरा मैं अब आपको बताता हूं कि अल्लाह की तरफ से वह अलहक है उसका वादा है कि सच सामने आना है 21 अप्रैल 2020 21 अप्रैल 2020 आज से तीन साल पहले दो साल पहले सॉरी आज से हां तीन साल पहले आज से तीन साल पहले एग्जेक्टिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है और उसके मिनट्स अब मेरे पास हैं थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सेकेंड जो एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग थी उसका मिनट मेरे पास, मिनट्स मेरे सामने है। अब मिनट्स के अंदर क्या चीज आती है सामने पहले तो बताऊं उस बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था चेयरमैन नैब डीजी ऑपरेशंस, डीजी ऑपरेशंस कौन था जाहिर शाह जाहिर शाह इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नायब है इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हुए थे वो अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल है और एक और डीजी, एक और बैठे थे दे, इरफान मंगी औ, और एक और हुसैन उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे ये हाई हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है ये फैसला होता है कि जनाब मलिक रियाज की और अली रियाज का वो केस था जो उनका बेटा मलिक रियाज का उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं और किस चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हैं तब ये ही जो मलिक रियाज का जो डील हुई थी एनसीए के साथ ये जो पैसा आया था जो इन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि अलकादर उसने मलिक रियाज ने स्पॉन्सर की थी इसलिए मैंने उसको फ़ायदा करवाया था अब यह सोच लें कि तीन साल पहले नैब के अंदर यह इंक्वायरी शुरू हुई और इनको पता था क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डिप्टी चेयरमैन वहां बैठे हुए थे मीटिंग पे प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे इसका मतलब नैब चेयरमैन को पता था और इसीलिए जब इन्होंने जोर लगाया आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब के चेयरमैन थे उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि यह इंक्वायरी होके बंद हो चुकी है और यही इंक्वायरी थी नैबगन डायरेक्टली इंग्लैंड के एनसीए से रे में थे और उन्होंने एनसीए सी ए ने जो उन, और उनके साथ जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो ये मिनट्स के अंदर है इस पे क्या चीज कही गई है ये भी समझ है इस मिनट्स पर ये लिखा जाता है कि ये अगर जो पैसा हमें सिर्फ एक चीज बाकी तो कैश आ, उन्होंने कहा आ जाएगा जो एक चीज है वो वन हाइट पार्क जो मलिक रियाज याली रियाज ने खरीदा था नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ से 50 मिलियन पाउंड का तकरीबन 18 अरब रुपया 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी नवाज शरीफ के बेटे से और मैं फिर से कहता हूं कि वो बाहर इसलिए भागा जब दोनों बेटे बाहर भाग गए जो हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, जब नैब ने उनसे यह सवाल पूछा दोनों बाहर भाग गए और भी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं कहते जी हम जवाब दे ही नहीं है और ये सुन लें कि वो सिर्फ इस, इस ये मिनट्स में है कि जब अली रियाज वो प्रॉपर्टी बेचेगा जो इसने हसन शरीफ से खरीदी थी उसके बाद अगर तो वह पैसा ना आया तो फिर नैब भी एक्शन लेगी और फिर एनसीए भी इंग्लैंड एक्शन लेगी अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो ये इंक्वायरी बंद हो गई इंक्वायरी क्लोज हो गई थी तो मैं नैब चेयरमैन से अब सवाल पूछता हूं कि आपको इस चीज का पता होगा क्योंकि ये चीज कोशिश की गई ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को पकड़ लो तो आफ्ताब सुल्तान तो नहीं माना होगा इस चीज़ पे क्योंकि उसको पता होगा कि ये सारा ये फ्रॉड है ये यानी ये केस मेरे ऊपर जो कर रहे हैं इसकी बुनियादी कोई नहीं है और ये आप सुन रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था अब अगर ये कोई सोचेगा नहीं कि इमरान खान ने ये बंद करवाई है तो मुझे अगर पता होता तो मैं जब नैब की इंक्वायरी कर रहा था मैं तो तब उनको बताता मुझे तो आज ये मिली है चीज़ अगर मैं अगर ये कह रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने बंद कराई हो तो मैं मुझे मैं तो पहले जाके नैब से जब इन्होंने तीन घंटे मुझे बिठाया नैब में मेरे से इसके ऊपर इंक्वायरी की कि जी आपको पता था आपने कुछ किया है या आपने वो यानी खराती यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मैंने उसका फ़ायदा करवाया मलिक रियाज का और ये भी पता था जब ये एनसीए से बात कर रही थी नैब तो उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आना है उनको ये भी पता क्योंकि अरेंजमेंट ये थी तो उनको तब भी पता था यानी जब जब आज से तीन साल पहले इंक्वायरी थी तो ये नहीं था कि उनको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में पैसा आना है यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो अब आप कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि क्यों नहीं ये गवर्नमेंट अगर अब तो पैसा पाकिस्तान आ गया हमारे सामने तो यह था कि जनाब अगर आपने ये इनकी एग्रीमेंट जो एनसीए की और रियाज फैमिली की एग्रीमेंट थी अगर आपने इसके ना माना तो फिर आपको केस करना पड़ेगा लंदन में कि क्या यह पैसा जो रुका हुआ 190 है एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड यह वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का है यह आपको साबित करना पड़ेगा उसमें पांच छह साल लगने थे तो अब तो पैसा आ चुका है पाकिस्तान में तो मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं क्या चीज आपको रोक रही है आप केस कर दें जाके कहें कि जी अब तो पाकिस्तान आप कहें जी हम जाके साबित करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा क्यों नहीं साबित करते आपने क्यों नहीं कोशिश की हमारे दो हमें बताया गया था कि अगर आप ये साबित ना कर सके पांच छह साल के बाद कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है तो ये पैसा वहीं इंग्लैंड रह जाएगा इसलिए सारी कैबिनेट ने मान लिया कि हाँ जी पैसा तो पाकिस्तान लेके आओ ना और होगा तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के अंदर पैसा आया ना तो मैं आज नैब चेयरमैन से ख़ास तौर पे ये पूछना चाहता हूँ कि सारे तो केसेस आप बंद करते जा रहे हैं शबाज शरीफ का और बेटों का सात मिलियन डॉलर का जो टी टी केस है मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शर्ट केस वो तो आपने बंद कर दिया और आपको जो क्लो इंक्वायरी बंद हो चुकी थी आपके साथ वो लोग बैठे हुए थे बैठे हुए हैं इस वक्त जिन्होंने जो, जो वह उस मीटिंग में बैठे थे जब यह इंक्वायरी बंद हुई है तो आपका जमीर को कोई तकलीफ नहीं हुई कि एक आदमी जो बेकसूर है उसको आपने सारी दुनिया में जलील करवाया झूठा केस बना के जब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए थे क्योंकि ये तो नैब के रिकॉर्ड में ये मुझे किधर से मिला है ये तो आपके रिकॉर्ड्स में था तो अल्लाह अल हक है इंसाफ का खुदा है मालिक योम दीन है ये केस तो मैं करूँगा पूरी तरह और मैं ये भी आपको बता दूँ कि मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सारी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि साढ़े तीन साल मैं इकतदार में था इनको कौन से दो केस मेरे ऊपर करप्शन के मिले हैं एक मिला है ये कि मैंने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई उसको फ़ायदा पहुँचा के ये जो सारा केस आप आपके सामने रखा है और दूसरा केस है तोशाखाना का मैं ये चाहता हूँ कि के ये तोशा खाना के मैं आप सबके सामने कहता हूं ये साबित होगा कि सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने तोशा खाना खोल ही दिया है तो सारों की अब चीज़ें निकालें जो लूट मार हुई है तोशाखाना में और उसमें पता चलेगा नवाज शरीफ आसिफ जरदारी इन दोनों के आपकी चीजें सामने आएंगी और वो भी पूछने के जो बाकी जिनको चीजें मिली हैं वो भी इंक्वायर करें आर्मी चीफ का पता चलवाएं कि छ साल जनरल बाजवा थे उनको कितने प्रेजेंट मिले हैं। और हम सब जानते हैं कि वो उनको हम सबसे ज्यादा प्रेजेंट्स मिले हैं। वो भी सारे डिक्लेयर करवाएं और पता चलवाएं कि चार गाड़ियां पांच गाड़ियां निकली तोशाखाना से तीन जरदारी महंगी तरीन गाड़ियां हैं बी एमडब्ल्यू दो वो सबसे महंगी और सब बुलेट प्रूफ दुगनी कीमत की नवाज शरीफ मसेडीज महंगी तरीन गाड़ी साढ़े छः लाख में लेता है पहले तो था ही गलत साढ़े छः लाख में बतालीस लाख सारा दिखाता है मसेडीज का और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं और मरियम उसको जब उसको जो आ, आ, बी मिलती है वो तो शाह में नहीं देती नहीं है सीधी सीधी चोरी है तो नैब चेयरमैन साहब को ये चीज़ें तो नहीं नजर आ रही क्योंकि मुझे लगता है आपको बुलाया भी हुआ है एक मकसद के लिए कि किस तरह पी टी आई को तोड़ना है आपका मकसद करप्शन ख़त्म करना नहीं है आपका मकसद ही कुछ और है और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे इदारों को इस तरफ लगा दिया सारे इदारों को जान के लगाया हुआ है एक एक पार्टी को तोड़ने के लिए और इमरान खान को डिस्कालीफाई करने के लिए या जेल में डालने के लिए वो नहीं जो उनका असल काम है मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है के पी के अंदर एक साल में छः सौ केस हो चुके हैं साढ़े छः सौ छः सौ छत्तीस केस दहशतगर्दी के हो चुके हैं एजेंसीज का क्या काम है क्या उनका यह काम नहीं है कि ये प्रियम करते उनका काम सिर्फ यह है कि जधर जधर तहरीक इंसाफ है उनको बस जेलों में डालो उनको पकड़ो उनको घर तोड़ो पुलिस को इस्तेमाल करें घर तोड़ने के ऊपर इनके घर तोड़ो इनकी बिजनेस बंद करो जिधर भी हैं कि किसी ना किसी तरह जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको ख़त्म किया जाए मैं फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सच का खुदा है कि ये जो मिनट सामने आए हैं ये अलकादर के ऊपर ये जो अलकादर का केस सारा है मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सारा सारी कौम के सामने एक्सपोज हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद